सभी को बता दूं कि ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 62वां स्थापना दिवस मनाया फुलेरा के अंदर। तो वहीं आप सभी को नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने यह 62वां स्थापना दिवस मनाया और वहां पर आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा। जयपुर जिले के फुलेरा में आज ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जोनल महासचिव उप रेलवे बीएल बैरवा के मुख्य आतिथ्य में 62वां स्थापना दिवस व नवनिर्वाचित जोनल व मंडल कार्यकारिणी का सम्मान समारोह फुलेरा की रेलवे कॉलोनी स्थित एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन शाखा सभा में आयोजित हुआ है। समारोह में एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष उप रेलवे टीकाराम मीणा, जोनल की सभी कार्यकारिणी का सम्मान के साथ रिटायर्ड वरिष्ठ रेल कर्मचारियों का सम्मान किया गया। फुलेरा शाखा के अध्यक्ष एचआर मीणा ने सभी आगंतुकों अतिथियों का सम्मान करते हुए फुलेरा आगमन पर आभार भी जताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा ने अपने उद्बोधन में कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चल करके समाज व कर्मचारी हित में कार्य करें। बैरवा ने कहा, रेलवे के निजीकरण का एसोसिएशन सदा विरोध करेगा। आगामी दिनों में विरोध पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें देशव्यापी आंदोलन चला करके रेलवे के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो वहीं रेलवे के निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीब जनता का रेल में सफर महंगा होगा जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। समारोह से पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ा करके रैली निकाली गई है। समारोह के मुख्य वक्ता जोनल अध्यक्ष टीकाराम ने कहा, भीमराव अम्बेडकर की मुख्य बातें हमें याद रखनी चाहिए, शिक्षिता बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकर के जाएंगे कि रेल का निजीकरण न तो रेल के हित में, न देश के हित में है और न रेल कर्मचारियों के हित में है, क्योंकि रेल का जब निजीकरण होगा तो रोजगार के अवसर घटेंगे। आपने देखा जब से रेल के निजीकरण की बात होने लगी है, रेल में जो रिक्तियां थी उनको सरेंडर कर दिया गया और नई भर्ती बंद कर दी एक तरह से, तो रोजगार नहीं मिला। और अभी आपने देखा जिन स्टेशनों को निजीकरण को दे दिया है वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट है जो पहले 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये होता था वो सीधा 50-50 रुपये हो गया। कई जगह तो ऐसी शिकायत आ रही है कि 100 रुपये भी हो गया। इसी तरह रेल का भाड़ा जो गांव में जाने वाले लोग बाग हैं छोटी दूरी पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।